हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकेक टैरो थ्री गाइस। आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं। हम जानेंगे उनके दिल का हाल और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस पिक करेंगे एंड गॉड गाइडेंस लेंगे गाइस। तो आप इस रीडिंग को पूरी देखना ताकि आप अपने पार्टनर के मैसेजेस देख सको कि वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनका क्योंकि हम यहाँ पर जानेंगे क्या वो आपको मिस करते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो आपको मिस करते होंगे तो हमारे टैरो कार्ड्स हमको बताएंगे ये चीज़, और डेफिनेटली मैं आपके लिए मैसेजेस पिक करूंगा, गॉड गाइडेंस लूंगा। सो आपके पार्टनर के दिल का हाल जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी। ओके, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। क्या है उनके दिल का हाल, क्या है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए थॉट्स, और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। एक बार और शफल करेंगे गाइस, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक कार्ड आ गया है गाइस, हमारे पास आया है द टावर। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। दो कार्ड हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस। ओके, वी हैव द स्टार। ओके, वी हैव द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एक कार्ड और लेंगे बस, देन मैं आपको रीडिंग बताता हूँ। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हर्मिट। ओके, सो गाइस वी हैव जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वी हैव पाइसेस स्पेशल, वी हैव सजिटेरियस स्पेशल, एक्वेरियस स्पेशल, जेमिनी स्पेशल, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सजिटेरियस एंड वीरगो वी हैव स्पेशल। ओके, ये कुछ साइन हमारे पास स्पेशल है और यहाँ पर कुछ साइन आए हैं, तो आपको साइन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप रीडिंग पर फोकस कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में सभी साइंस होते हैं। ओके, सो गाइज अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है एंड बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में अभी मतलब पीस नहीं है उनकी लाइफ में, उनका इनर पीस बिल्कुल खत्म होता जा रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से वो अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनकी लाइफ में अभी बहुत बड़े सडन चेंजेस आए हों, एकदम से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया हो, या तो किसी अपने का चले जाना या फिर आपके साथ उनकी लड़ाइयाँ हो जाना, मतलब बस ये है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, टावर मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपके पार्टनर तो है ही है, और वो आपको इस टाइम पर
मतलब इतना मिस कर रहे हैं ना, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा सडन, इतनी सडन प्रॉब्लम्स आ गई ना एकदम से ही, तो उन्हें अब आपका रियलाइज, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस आप उनके लिए बहुत कुछ थे, और आप उनको एकदम से, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई, और उनके चले जाने के बाद इनकी मतलब आपके चले जाने के बाद इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं ना कि ये आपको उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट वही है कि अभी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, जिस वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान है इस टाइम पर. ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस ये क्लैरिटी चाहते हैं और आपके आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं. इवन आपने जब जब अपने रिश्ते के लिए बात की, देखिए आप बहुत ही अनबायस्ड वे में बात करते थे, आप बिल्कुल भी बायस नहीं थे, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे आपको जो बोलना होता था, और आप क्लैरिटी चाहते थे, पर आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई, तो इस वजह से शायद मे बी आपके पर्सन ने आपसे, मे बी शायद ये कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ना देना चाहते हो, या फिर ये आपके साथ मतलब एक रिलेशनशिप बना रखा था बट उस रिलेशनशिप को लेकर ये सीरियस नहीं थे, बट अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही प्योर रिलेशनशिप था, सीरियस रिलेशनशिप था. बिकॉज इस रिलेशनशिप में आप देख सकते हो कि हमारे पास दो कार्ड ऐसे आए हैं जो मुझे दिखा रहे हैं, तीन कार्ड हमारे ऐसे हैं जो मुझे दिखा रहे हैं कि यस ये रिलेशनशिप बहुत ही प्योर था, बहुत ही पवित्र रिलेशनशिप था, ये एंजल की थ्रू गाइडेड रिलेशनशिप था, एनी मैन इस रिलेशनशिप को विक्ट्री मिल जाती अगर इस रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट होता रहता, आपके पास मैनिफेस्ट करते रहते. बिकॉज देखिए द वर्ल्ड कम्प्लीशन, ये कम्प्लीट, एक बहुत ही कम्प्लीट रिलेशनशिप था ये. एंड इवन आप यहाँ से देख सकते हो द लवर्स, लवर्स में मुझे दिखा रहा है कि यस बहुत ही प्योर गाइडेड कनेक्शन था ये, एंड विक्ट्री थी इस कनेक्शन की. बट इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, और जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया तो आप दोनों अकेले हो गए, और अभी आप दोनों सिंगल चल रहे हो, अकेले चल रहे हो, कि आपके पर्सन अपने, आप भी अपनी राह खोज रहे हो, आपके पर्सन अपनी राह खोज रहे हैं, और अपनी इनर कॉलिंग को आप दोनों सुन रहे हो, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो, बट आपके पर्सन मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशंस को सुनने में वीक पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में देखिए डिले आ रहे हैं, यहाँ से उनकी लाइफ में डिले आते जा रहे हैं, और ये डिले ही ना आप तक उन्हें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गॉड भी तो देख लीजिए कुछ ना कुछ करेंगे ही ना, क्योंकि गॉड भी जानते हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग तो करानी ही है, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाती है इंस्टेड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन के, तो डेफिनेटली यहाँ पर गॉड अपना एक गेम प्ले कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो और वो आपके पास वापस आने की प्लानिंग करें. क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों के पर्सन के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो और उनके पर्सन पर उस तरफ खुश ना हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन की भी अवेकनिंग होगी एक टाइम के बाद, और अगर अगर वो पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है तो डेफिनेटली वो उस तरफ से हटकर कहीं मतलब आपके पास आएंगे. बट यस अभी उस चीज़ में डिले है, उस चीज़ में अभी बहुत डिले है. द हैंगमैन, तो अभी डिले है, तो गाइज आपको मैनिफेस्ट करते रहना होगा, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई, जिसे भी आप चाहते हो, जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो आ जाएंगे, और आपको ज़रूरत है साथ ही साथ बैलेंस की भी. क्योंकि देखिए आप अगर बैलेंस रखोगे, आपके पर्सन बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि अभी उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दोनों तरफ, आपके साथ भी और उस पर्सन के साथ भी जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है. ओके, थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है, तो उस पर्सन को कम से भी कम अपने लिए पहले एक राह चुननी होगी, एक पाथ बनाना होगा, जो कि वो सर्च कर रहे हैं, द हर्मिट कार्ड मुझे दिखा रहा है, एंड देन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे. क्योंकि देखिए हमारे पास एक्शन कार्ड तो है ही, एक्शन का कार्ड हमारे पास है, तो ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, आपके लिए एक्शन तो आएगा इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि देखिए ये आपको मिस बहुत कर रहा है, क्योंकि ये आपके लिए अपने आप को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, अपना फेथ आप में रखे हुए हैं, होप रखे हुए हैं, उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं ये आपके लिए, क्योंकि ये आपको मिस तो बहुत करते हैं, मुझे क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. क्योंकि देखिए आप स्टार कार्ड को देख सकते हैं, ये आप इनकी विश और ये आपके लिए दुआएं मांगते हैं एंजल से, गॉड से, क्योंकि देखिए इनकी इनकी लाइफ में पीस नहीं है अभी, पीस जब ही आएगा इनकी लाइफ में जब ये आपके साथ होंगे, अपना टाइम आपके साथ बिता रहे हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है, भले ही इनकी शादी हो गई, भले ही ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, बट ये खुश नहीं है, ये बहुत दुखी है आपको छोड़ने के बाद, ये बहुत दुख में है अभी, इनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कि आपके साथ ही अपनी इस लाइफ को कम्प्लीट करें, अपनी दुनिया को कम्प्लीट करें, और जब इनकी ये दुनिया कम्प्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली देख लीजिए आप देख सकते हो कि इनको विक्ट्री तो मिलनी ही मिलनी है, तो ये विक्ट्री इन्हीं की है, और ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, जो कि मुझे नीचे के कार्ड्स बता रहे हैं, ऊपर के कार्ड्स ने इनकी सिचुएशन बता दी है, नीचे के कार्ड्स ने इनका बता दिया कि ये से बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ, अपनी लाइफ चाहते हैं, अपनी शादी चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप के लिए यहाँ से निकल कर आया है कि यस आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं अभी भी. तो देख लेते हैं अपने साइकिक से क्या है अभी भी उनके, और क्लैरिटी से हाल क्या चल रहा है उनका.
साइकिक टैक हमें और अच्छे से बता देगा क्या होने वाला है आगे, क्या हो रहा है और अभी लाइफ में। चलिए वी हैव मूविंग ऑन, तो डेफिनेटली ये पर्सन मूव ऑन तो करेंगे, मूव ऑन कर सकते हैं ये पर्सन, मुझे दिख रहा है यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं ये पर्सन, वहाँ से निकल सकते हैं जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपके लिए आपके पास आ सकते हैं हर एक फंसी हुई सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये स्टक है वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे ही करेंगे। वी हैव सेक्रीफाइस एंड वी हैव अवेयरनेस। तो गाइज मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो हैंगमैन की सिचुएशन देखिए, दो बार हैंगमैन आ गया है, तो अभी तो आपको सेक्रीफाइस करके चलना ही पड़ेगा, और आपके पर्सन भी अभी आगे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हैं और अपनी अवेयरनेस को ओपन करने वाले हैं ताकि ये हर एक चीज़ के लिए अवेयर रहें, क्योंकि जब ये अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, हर सिचुएशन को ये परख के चलेंगे। वी हैव होप। तो गाइज आपके पर्सन ने होप नहीं छोड़ी है अपनी, अभी भी वो आप में होप रखे हुए हैं, उम्मीद रखे हुए हैं आपके लिए, उनका दिल आज भी धड़क रहा है और वो आपको बहुत मिस करते हैं, इसीलिए उन्होंने आज भी अपनी होप बनाई हुई है, अपनी उम्मीद को नहीं टूटने दे रहे हैं वो। वाओ, वी हैव यूनिवर्स। तो डेफिनेटली देख लीजिए यूनिवर्स काम कर रहे हैं इस जर्नी में, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आए हैं और यूनिवर्स ने हमें ये इंडिकेशन दिया है कि यस यूनिवर्स इज विद यू, आपके साथ हैं यूनिवर्स, आपके पास हैं यूनिवर्स और आपके लिए वर्क कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको बस ज़रूरत है अपनी अवेयरनेस को ओपन रखने की एंड थर्ड आई चाक्रा ओपन करने की, ताकि आप अपनी अवेयरनेस को अच्छे से इस्तेमाल कर सको। चलिए इनकी ट्रू फीलिंग्स कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको देख लेते हैं। We have distorted feminine. तो आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ही distorted energy में चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पास नहीं हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, इस पर्सन को मेरे पास में होना चाहिए। We have yin and yang. तो देख लीजिए पर्सन अभी चाहे पास ना हो या ना हो या ना हो, बट यूनिवर्स इन्फिनिटी गॉड एंजल सब वर्क करने में लगे हुए हैं इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि एंजल्स गॉड सब जानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही प्योर है, और इस कनेक्शन की एक इस कनेक्शन में एक होप है, उम्मीद है, और इस कनेक्शन की एक मतलब सिक्योरिटी है इस कनेक्शन में। तो डेफिनेटली आपके गॉड एंजल आर्क एंजल सब यही चाहते हैं कि आप दोनों मिलन में आओ, एक दूसरे से आपका मिलन हो, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ पर्पज़ हैं, सॉरी आपके पर्सन आपके लिए लाइफ पर्पज़ हैं और आप अपने पर्सन के लिए लाइफ पर्पज़ हो, तो आप दोनों जानते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ पर्पज हो। वी हैव शिवलरी। तो डेफिनेटली मैं आते हुए देख रहा हूँ इस पर्सन को, क्योंकि देखिए बहुत मिस कर रहे हैं आपको, अपने लाइफ पर्पज को कौन मिस नहीं करता। तो शिवलरी कार्ड आने का मतलब है कि ऐसे पर्सन आ रहे हैं वापस, एंड वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आने का मतलब यही है गाइस कि ये हर एक कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे आपके साथ और हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि आप दोनों का कनेक्शन आगे चल के बहुत अच्छा हो। तो चलिए कुछ मैसेजेस, अब बारी है मैसेजेस की। ओके हम यहाँ से मैसेजेस पिक करेंगे अब आपके। चलिए कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से जिन्हें हमने शफल कर लिया है अच्छे से, देख लेते हैं अब क्या आता है निकल के। We lose track of time when we are together. आप टाइम का ही नहीं पता चलता आप लोगों को जब आप दोनों एक साथ होते थे पास्ट में, या फिर होते हो अभी भी, या फिर आगे होगे। तो डेफिनेटली देख लीजिए आपके साथ अपना टाइम बिताना इन्हें बहुत पसंद है, आपके साथ ही चाहते हैं अपना टाइम बिताना। I miss you even you are in the next room. जब भी आपको मिस करते हैं अगर आप दूसरे कमरे में होते हो, शायद मे बी आप आसपास ही रहते हो और एक दूसरे को देखते भी हो, और शायद आप दोनों के बीच में बातचीत ना होती हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। तो मैंने कहा ना, मिस तो कर ही रहे हैं वो आपको, मिस तो कर ही रहे हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके लिए सबसे बेस्ट लुकिंग पर्सन है ये, और ये जानते हैं ये इस चीज़ को, तभी तो ये आपके अभी भी आप पर स्टक हैं, मूव ऑन नहीं किया इन्होंने।
वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ये अब भी जानते हैं कि हम आप दोनों मिलकर एक साथ कुछ ना कुछ कर लोगे, इन सारी चीज़ों को भी रिजॉल्व कर लोगे कॉन्फ्लिक्ट, इसीलिए तो ये आज भी आपसे प्यार कर रहे हैं और आपके साथ है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप दोनों एक साथ ही रह सकते हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता इनके साथ मजाक हंसी मजाक या फिर थोड़ा सा पागलबंती करने में। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप ही हो पहले पर्सन वो जिनको ये अपनी हर एक अच्छी और बुरी बात बताता है जब इनके साथ कुछ हो जाता है, कुछ भी हाप मिस हैपनिंग हो जाती है। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इनकी इंस्पिरेशन। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आपने हमेशा इनकी लाइफ से दूर दूर किया है दर्द को। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, ये आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं अपने दिल से और अपनी ज़िंदगी से। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, तो डेफिनेटली आप इन्हें प्रिंस और प्रिंसेस जैसा फील कराते हो। यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग, आपको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको हमेशा पता रहता है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, आपको टच करना इनके लिए सबसे मोस्ट वंडरफुल फीलिंग है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माय साइड व्हेन आई एम इल, आप इनकी टेक केयर करते हो और इनके हमेशा साथ रहते हो, इनके आसपास रहते हो, इनके बराबर में रहते हो जब ये बीमार होते हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, आप गेस कर लेते हो ये क्या कहने वाले हैं, और आपको पता ही है कि ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। सो चलिए हम गॉड गाइडेंस की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि देखिए प्यार तो ये बहुत करते हैं आपसे और आपको जो जो ये बातें बोलना चाहते थे वो बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए मिस तो ये आपको बहुत कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, तो बहुत जल्द ये पर्सन ये दिल आपको ही देने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने अपना दिल अभी तक किसी और को नहीं दिया है, अपने दिल को अपने पास ही रखा हुआ है पकड़ के अच्छे से, ताकि ये दिल आपको दे सके। वी हैव कॉर्निकोपिया, तो कॉर्निकोपिया मुझे दिखा रहा है कि यस गाइज ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपका है, ये फ्रूटफुल रिजल्ट आप ही को मिलेगा, ये रिजल्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता, इस पर्सन को आपसे कोई नहीं दूर कर सकता, क्योंकि ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, तो एंजल ऑफ बैलेंस की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये कह रही हैं कि आपको बैलेंस की जरूरत है। वी हैव फर्स्ट चाक्रा आर्क एंजल माइकल, तो ये कह रहे हैं आप अपने बेस चाक्रा पर वर्क कीजिए, अपने फाइनेंशियल थिंग्स को भी ठीक कर लीजिए अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। द थिंकिंग वुमेन, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ओके। एंड गॉड बता रहे हैं कि आगे चल के आपको धोखा नहीं देंगे, अपने पेंटिकल्स पर बहुत वर्क कर रहे हैं, काफ़ी केयरिंग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एंड हैप्पी फैमिली। तो देख लीजिए कितने सुंदर कार्ड जाए हैं, और आपको भी धोखेबाज लोगों से देखिए बच के रहना होगा, ओके, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। सो गाइस ये थे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस और उनकी फीलिंग्स, और वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि यस डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं। तो गाइस ये थी आपकी आज की रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना अपनी फैमिली का, बाय बाय।